गुड मॉर्निंग क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 बहुव्रीहि समास अनेक मन्य पदार्थ है। ठीक है, भिन्न कोई अन्य पदार्थ प्रधान हो वह बहुव्रीहि कहलाता है। नीलम कंठम यस्सा नीलकंठ तीसरा पद प्रधान है सो बहुव्रीहि। सत्यम प्रियम यस्मै च सत्य प्रिय महान आत्मा यस्सा महात्मा निर्गतम भयम यस्मा सा निर्गत भय चंद्र एव मुखम यस्या सा चंद्रमुखी चक्रम प्राणौ यस्सा चक्रप्राणी लंबम उदरम यशसा लंबोदरा पीतम अम्बरम यशसा पीताम्बर। ठीक है, सब आपका ये अव्ययभाजितानि इंद्रियाणि एन सा जितेन्द्रिय दुष्टा प्रज्ञा यशसा दुष्ट प्रज्ञा प्रजा लघूनि चेतांसि एषां लघुचेतुषां दशानि आनानि यस्य दशानना शुष्कं कंठम यस्य शुष्कंठ। फिर है इस पे लास्ट अव्ययभाव, जिस समास विधि में अव्यय पद बन जाता है वह अव्ययभाव कहलाता है। मक्षिकाणाम अभावा निर्मक्षिकम फलस्य अभाव निष्फलम वयस्य अभाव निर्भयम विघ्नानाम अभाव निर्विघ्नम बाधानाम अभाव निर्बाधम जनानाम अभाव निर्जनम कंटकानाम अभाव निष्कंटकम दोषाणाम अभाव निर्दोषम धनानाम अभाव निर्धनम गर्वेण सहित स गर्वम परिवारेण सहित स परिवारम शरीरेण सहित स शरीरम मित्रेण सहित स मित्रम चित्रेण सहित स चित्रम बलेन सहित स बलम शस्त्रेण सहितम सशस्त्रम। अनुपसर्ग का प्रयोग पश्चात पीछे और योग के अर्थ में होता है। पश्चात जैसे पीछे में रथस्य पश्चात इति अनुरथम संभो पश्चात इति अनुशंभो विष्णु पश्चात इति अनुविष्णु लोकस्य पश्चात इति अनुलोकम गंगा पश्चात इति अनुगंगम योग्यता के अर्थ में रामस्य योग्यम अनुरामम योगाना गुणानाम योग्यम अनुगुणम व्रतस्य योग्यम अनुव्रतम रूपस्य योग्यम अनुरूपम धिया योग्यम अनुधियम। समीप के अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग होता है। गंगा समीपम उपगंगम ग्रह समीपम उपग्रहम गुरु समीपम उपग्रहम हरे समीपम उपहरिम नगर समीपम उपनगरम कृष्ण समीपम उपकृष्णम पुस्तक समीपम उपपुस्तकम वन समीपम उपवनम वृक्ष समीपम उपवृक्षम राम समीपम उपरामम। प्रति अव्यय दो बार कहने पर दिने दिने इति प्रतिदिनम दिशि दिशि प्रतिदिशम मासे मासे प्रतिमासम ग्रहम ग्रहमिति प्रतिग्रहम पादम पादमिति प्रतिपादम यथा च अव्यय प्रयोग अनतिक्रम्य शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्तिम बल अनतिक्रम्य यथा बलम सामर्थ्यम अनतिक्रम्य यथा सामर्थ्यम विधि अनतिक्रम्य यथा विधि मतिम अनतिक्रम्य यथा मतिम साम्यम अनतिक्रम्य यथा साम्यम कुलम अनतिक्रम्य यथा कुलम स्थानम अनतिक्रम्य यथा स्थानम। इस प्रकार आपका ये समास कंप्लीट। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करने का प्रयास करना हमें समास के अनुसार। विद्याहीन जैसे विद्याहीन हो ये। फिर इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ विकल्प हैं, इन्हें चूज करके और इनका जो सही है पे टिक लगाना। ठीक है, तो आपका ये समास पार्ट 2 भी एंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।